पूरा बंगाल अब एक स्वर में कह रहा है, एक स्वर में कह रहा है, आर नॉय अन्नॉय, आर नॉय अन्नॉय। ये टीएमसी सरकार के कम होते दिनों की उद्घोष है। बड़े बड़े भाषण दें ऐसे शुद्ध बोलें बांग्लाय परिवर्तन होगा। अरे বাংলায় পরিবর্তন হবে না, বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে, পরিবর্তন দিল্লি মে হোগা। দিদি সুন লিয়া, দিদি ये বাঙালি কি আওয়াজ হ্যায়, ये বাঙাল কি আওয়াজ হ্যায়। দিদি আজ পশ্চিম বঙ্গাল কে নৌজবান, यहां के बेटे बेटियां आपसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एतवार नू कोलकाता दे ब्रिगेड मैदान दे विच रैली कीती। प्रगतिशील बांग्ला ते सोनार बांग्ला दे नारे दे नाल पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत की। इस तो बाद मोदी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ते निशाना साध्या ते कई इल्जाम भी लगाए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल नू अपमानित किया है। साथियों, आज ब्रिगेड ग्राउंड में आप लोगों की हुंकार, ये हुंकार सुनने के बाद अब किसी को कोई संदेह नहीं रह जाएगा। शायद कुछ लोगों को तो लगता होगा आज 2 मई आ गई है, आज बंगाल का मानुष परेशान है और पूरा बंगाल अब एक स्वर में कह रहा है, एक स्वर में कह रहा है, आर नॉय, आर नॉय अन्नॉय, आर नॉय अन्नॉय। ये टीएमसी सरकार के कम होते दिनों की उद्घोष है। ये उद्घोष पूरे देश को सुनाना जरूरी है। भाइयों और बहनों, आप मेरे साथ बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, मैं जो कहूंगा वो बोलेंगे, सबके सब लोग बोलेंगे, पूरा हिंदुस्तान सुने, इस प्रकार से बोलेंगे। आपको आर नॉय बोलना है, ठीक है? भ्रष्टाचार, आर नॉय 2 बार बोलना है, भ्रष्टाचार, आर नॉय, भ्रष्टाचार, आर नॉय। तोलाबाजी, आर नो, तोलाबाजी, आर नो, कट मनी, आर नो, कट मनी, आर नो, सिंडिकेट, आर नो, सिंडिकेट, आर नो, बेरोजगारी, बेरोजगारी, हिंसा, बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन
आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? आपने एक ही भतीजे की बुआ होने के मोह को क्यों चुना? बंगाल के लाखों भतीजे भतीजियों की आशाओं के बजाय आप अपने भतीजे का लालच पूरा करने में क्यों लग गई? आप भी भाई भतीजावाद के उन कांग्रेसी संस्कारों को छोड़ नहीं पाई जिनके खिलाफ आपने बगावत की थी। बहनों और भाइयों, मां माटी मानुष से विश्वासघात करने के बाद, इतना अन्याय करने के बाद, अब इन लोगों ने एक नया नारा गढ़ा है। अरे दीदी, आप बंगाल की ही नहीं, आप तो पूरे भारत की बेटी है। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली, तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं, नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। पीएम मोदी दे भाषण तो पहला बॉलीवुड दे अदाकार मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी दे विच शामिल होए। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕਟਾ ਖਾਲੀ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਬੋ ਅਰ ਸੇਟਾਈ ਆਮੀ ਅਮਰ ਨਾਮ ਮਿਠੁਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਆਮੀ ਜਾ ਬੋਲੀ ਤਾ ਕੋਰੇ ਦੇਖਾਈ ਅਰ ਸੇ ਡਾਇਲੌਗ ਟਾ ਹਲੋ ਆਮੀ ਜਲ ਢੋੜਾਉ ਨਈ ਬੇਲੇ ਬੋੜਾਉ ਨਈ আমি একটা কোবরা গোখড়ো, আমি এক ছোবলে ছবি। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਐਮਸੀ ਆਵੇਗੀ, ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ, ਇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਬੋਲਣ, ਬੰਗਲਾਏ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਗਾ। আরে বাংলায় পরিবর্তন হবে না, বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে, পরিবর্তন দিল্লি মে হোগা, আপকো জানা পড়েগা। বাংলা কো সোনার বাংলা বানায়েগা, বলো দিল্লি কো তো বেচ দিয়া, দিল্লি কো লাল কেল্লা কো বেচ দিয়া, কব তাজমহল কো বেচ দেঙ্গে, ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কো বেচ দিয়া, বিএসএনএল কো বেচ দিয়া, কোল ইন্ডিয়া কো বেচ দিয়া, ডিফেন্স কো বেচ দিয়া, এয়ার ইন্ডিয়া কো বেচ দিয়া, হায় কহা, খালি ইন্ডিয়া কা না।
নাম বদলনা হ্যাঁ আপনার নাম পে বাকি তো এই শরম লগতা হরম লগতা হাজ বল্লভ ভাই পটেল উসকা নাম পে যে স্টেডিয়াম থা আপনার নাম পে কর দিয়া আচ্ছা দেখো কোভিড মে ইতনা লোক মরা ইতনা বড়ি প্রবলেম হুয়া এক দিন কে লিয়ে দেখনে নাই আয়া তব ডর কে মরতে থে আর ভার্চুয়াল করতে থে